यूपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप आयोग पर लगाया है। जारी रिजल्ट पर सवाल खड़ा करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें सीरियल से 4000 अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया गया है। 125 भी अभ्यर्थी आराधना कुमारी ने कशिश न्यूज को दस्तावेजों के साथ इसके प्रमाण दिए हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी में पैसे का खेल खेला गया है, पैसे लेकर रिजल्ट को प्रभावित किया गया है, योग्य अभ्यर्थियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं उनका कहना है कि इसे लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे, उनकी नहीं सुनी गई तो वे कोर्ट की शरण लेंगे। बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। क्लास 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12 का, यानी तीनों कैटेगरी के रिजल्ट आ चुके हैं। काउंसलिंग का काम जो है वो शुरू है। आज जो है हम पटना की, इस वक्त जो है पटना की गर्दनी बाग, पटना में जो पटना हाई स्कूल है उसके कैंपस में खड़े हैं। और ये जो अभ्यर्थी है, ये जो महिला कैंडिडेट है, ये जो है इनका काउंसलिंग हो गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना शर्मा है सर। अच्छा, क्लास 1 to 5 है? हाँ जी, क्लास 1 to 5 के लिए। ये बताइए कि भावना की, ये जो आपका, आप मेरठ से हैं? बागपत डिस्ट्रिक्ट, बागपत से है। तो कैसा लग रहा है वहाँ से, बागपत से यहाँ आगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पटना तो मतलब अच्छा है, वैसे पूरा बिहार ही अच्छा लग रहा है। मतलब जमुई में एग्जाम देने गए थे, वहाँ का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। और यहाँ पे जैसे आए हैं काउंसलिंग के लिए, 2-3 दिन हो गए हैं हुए, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा है, काफी कोऑपरेटिव आदमी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? रंजना यादव। कहाँ से आप रंजना? भदोही। भदोही उत्तर प्रदेश से पढ़ते हैं? हाँ, बनारस के पास। तो क्या 1 to 5 है आपका? जी सर। तो कैसा लग रहा है रंजना, आप बिहार आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पटना तो काफी अच्छा है, जो है सिटी भी है। अगर यहाँ पे मिलेगा सेंटर, वो जिला, तो बहुत अच्छा रहेगा। पटना का दिए थे पहली चॉइस, अभी जब हो जाएगा सब तब बताएंगे ना कि कौन सा स्कूल अलॉट करेंगे। ये जो परीक्षा हुई है इसमें क्लास 1 to 5 हो या फिर 9 से 12 तक की जो परीक्षा हुई, इसमें जो है पहले आपको पता होगा कि पहले केवल बिहार के लोगों का था ही, बाद में कहा कि नहीं बिहार से बाहर के लोग भी आके इसमें आ सकते हैं। ये निर्णय आप लोग के लिए कितना बड़ा फायदेमंद रहा? ये निर्णय बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा सर हमारे लिए, तो मतलब लाइफ चेंजिंग रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, ये इससे बड़ी बात और क्या हो गई। और वैसे भी मतलब पूरा देश एक ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है, कहीं भी चले जाओ, हम तो कहीं भी रह सकते। अब ये कुछ दिनों में जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, बाकी सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, तो बिहार में रहकर नौकरी होगी। अब तक आपने ये सुना होगा कि बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी करते थे, अब बिहार भी लोग नौकरी के लिए आएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।